हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल दिलीप चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन के स्टिकर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले करना क्या है, अपने फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है आप जेड फॉन्ट डालेंगे वैसे ही आपके सामने ये ऐप आपका। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से ही इसे है ना ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। आपको इस ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ये ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। आपको करना क्या आएगा, स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको एक इमोजी वाला इंटरफेस आ रहा होगा, उस पर सबसे ऊपर जो इमोजी वाला इंटरफेस आ रहा है सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे जो अप्लाई आ रहा है, आपके सबसे पहले आपको डाउनलोड का है ना ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, तो आपको करना क्या, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है तो मेरे में अप्लाई आ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके में भी अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका जैसे ही आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपको है ना राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर देखेंगे तो एक वाला एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका फ़ोन का मॉडल है, सैमसंग, श्वामी, वीवो, ओप्पो, जो भी अदरवाइज जो भी आपका फ़ोन का मॉडल है आपको वो सिलेक्ट करना है। मेरा ओप्पो एंड रियलमी है तो मैंने ओप्पो एंड रियलमी सिलेक्ट करा है। इसके बाद ओके करना है, फिर अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सपोर्ट डाइक कैरेक्टर वाला बेस्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लोडिंग हो रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही लोडिंग हो जाए इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले एक इंस्टॉल पे जाना है, इस ऐप को आपको स्किप करना है। इसके बाद ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इंस्टॉल करना है। फिर आपका जो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास फिर दोबारा से ये इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको करना क्या है, चेंज रीजन वाले ऑप्शन पे जाना है। आप चेंज रीजन वाले ऑप्शन पे जाइए और आपको आप लैंग्वेज एंड रीजन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। लैंग्वेज एंड रीजन वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको रीजन वाले ऑप्शन पे जाना है। आपके में रीजन वाले ऑप्शन में इंडिया सिलेक्ट हो, जो अपना कंट्री है वो सिलेक्ट होगी। पर आपको करना क्या है, इसमें आपको म्यांमार सिलेक्ट करना है। जैसे आप म्यांमार पे क्लिक करिए, रीजन वाले पे आपको म्यांमार को सिलेक्ट करना है। एंड सपोर्ट डाइक कैरेक्टर वाला एक नीचे ऑप्शन आ रहा होगा जो कि ऑफ होगा, उसे आपको ऑन करना आएगा। इसे ऑन करिए, फिर वापस अपने है ना उसी पे आ जाइए, जेड फॉन्ट वाले। जैसे ही आप ऐप पे आएंगे फिर आप करना क्या, आपको करना क्या है, टेस्ट फॉन्ट स्टाइल हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट फॉन्ट इस पे आपको अपने स्टिकर्स वाले पे जाना है। जैसे ही आप स्टिकर्स वाले पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके नीचे जो स्टिकर्स थे, जो नॉर्मल स्टिकर्स थे, वो आपको सारे आईफोन वाले स्टिकर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। टोटली जो स्टिकर्स थे आप देखेंगे सारे वही स्टिकर्स कन्वर्ट हो गए होंगे, देखिए। तो अब अपन को करना क्या, अब अपन चेक करते हैं जो स्टिकर्स अपने है ना स्टोरी में व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो चलिए सबसे पहले अपन इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चेक करते हैं। तो आपको करना क्या, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। आपको स्टोरी पे जाना है, कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं पिक ले रहा हूँ, इस पे स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। तो आप देखेंगे जो भी है ना आपके स्टिकर्स हैं, जिस सारे आपके इंस्टाग्राम पे भी आपके आईफोन कि स्टिकर बड़े आराम से काम कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारी वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।